हाँ कहें जी जी जय जी, जमशेदपुर से खबर आ रही है, जमशेदपुर डीसी ऑफिस में कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। क्या नारेबाजी कर रहे हैं ये और क्या है मामला? देखिए ये लोग आज सभी पहुंचे हैं डीसी कार्यालय, आज ये लोग यहाँ पर डीसी साहब को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। इन लोगों का कहना है, हम लोगों का जितने भी लोग हैं सभी का 3 मेडिकल कॉलेज में नामांकन लेना होगा, अभी तक वहाँ पर बंद है, जिसको लेकर के आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम। मेडिकल कॉलेज में नामांकन वापस ले, लोगों का ये मांग किया है। जी जी साहब मिले हैं इनसे, मुलाकात हुई है इनसे? इन लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन सौंप के मुख्यमंत्री के नाम ये लोग ज्ञापन दिए हैं। जी 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 धन्यवाद जय जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना न्यूज के। मिलने आए हैं हम लोग झारखंड जनतांत्रिक महासभा के तरफ से, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन हम लोग उपायुक्त के माध्यम से देने के लिए आए हैं। हम लोग की यही मांग है कि भाई 2019 में 3 मेडिकल कॉलेज पलामू हजारीबाग दुमका में खोला गया था, जिसमें 300 बच्चों का दाखिला हुआ, लेकिन 2020 में बताया गया कि NMC का में जो गाइडलाइन के अनुसार बल्कि मानक को पूरा नहीं करता, तो दाखिला 300 बच्चों को नहीं हो पाया, और 2021 में भी कमोबेश वैसे ही स्थिति बना हुआ है। हम लोगों की यही मांग है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री से कि भाई जो कम बेसी है NMC के गाइडलाइन के अनुसार जो भी कमी है उसको जो दुरुस्त कर इसी सत्र से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करे, यही हम लोगों का मांग है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे DC ऑफिस में पहुँचे हैं। मेरा नाम हुआ दीपक रंजीत, झारखंड जनतांत्रिक महासभा से।